अफ्रीका की सबसे बड़ी झील में एक द्वीप मौजूद है। पुलिस हमें ले गई। इस द्वीप पर 1000 लोग रहते हैं। आपको ये द्वीप दिख रहा है? ये दो देशों के बीच बड़े विवाद का कारण है, केन्या और युगांडा, और इसकी वजह से उनके बीच युद्ध हो सकता है। तो मैंने को द्वीप केन्या का है, ये सच्चाई है। हर कोई इस द्वीप पर अपना दावा कर रहा है। नक्शे पर आप देख सकते हैं कि दोनों देशों के बीच की सीमा इस द्वीप के बहुत करीब है, जिससे युगांडा और टैंजानिया दोनों इस पर दावा करते हैं। ब्रिटेन ने इसकी सीमाएं बनाई थी। उपनिवेशियों को नक्शा बनाना नहीं आता था, जिस तरह से उन्होंने सीमाएं बनाई थी वो बस सीधी रेखाएं थी। लेकिन हर कोई इस द्वीप को क्यों चाहता है और पूरी झील को नहीं? मछली अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं मानती है, उन्हें वीजा या वर्क परमिट की जरूरत नहीं होती। ठीक है, केन्या में आपका स्वागत है। नैरोबी। हम राजधानी नैरोबी में आ गए हैं। हम किसुमू नाम के एक छोटे से शहर में जा रहे हैं। आपको किसुमू पता है? हाँ, मुझे किसुमू पता है। किसुमू? हाँ, मुझे पता है। हम किसुमू शहर जा रहे हैं और वहाँ से हम 4 घंटे ड्राइव करके इस द्वीप पर पहुँचेंगे, जो युगांडा की सीमा पर स्थित है और वहाँ संघर्ष का कारण बनती है। हेलो, किसुमू में आपका स्वागत है। फिर हमने झील के किनारे जाने के लिए 4 घंटे ड्राइव किया, जहां हम इस द्वीप पर जाने के लिए नाव की तलाश करेंगे। हम मिगिंगो द्वीप तक पहुंचने के लिए और 2 घंटे नाव की सवारी करेंगे। यहाँ की मुख्य गतिविधि मछली पकड़ना है, वो मिगिंगो तक जाते हैं। मिगिंगो द्वीप के आगे उस तरफ बहुत सारी मछलियाँ हैं, इसलिए लोग यहाँ से यात्रा करते हैं। यहाँ कुछ अच्छी मछलियाँ हैं। ये झील नील नदी का उद्गम स्थल है। ये पूरा गांव मछली पकड़ने का काम करता है। ये विक्टोरिया झील है, जिसका नाम ब्रिटेन की रानी के नाम पर पड़ा है। ये झील नदी का उद्गम स्थल है, जो यहीं से शुरू होती है और मिस्र और सूडान की जीवन रेखा का प्रतीक है। यहाँ कुछ लोग हैं जो इसे युगांडा कहते हैं। कभी कभी वो भूमि या इस द्वीप पर हमला बोल देते हैं। सच में? उस वजह से हाँ। तो मिनिंगो द्वीप केन्या का है, यही सच्चाई है। ये केन्याई लोगों के लिए है और कुछ नहीं। हम वहाँ जा रहे हैं और हम वहीं सोएंगे। लोग कहते हैं कि वहाँ समुद्री डाकू हैं, जो युगांडा से आते हैं। अल्लाह के नाम पर, आप इसे मिराज की तरह दूर से देख सकते हैं। ये मिगिंगो द्वीप है, ये वाला है ना? यहाँ विशाल लहरें हैं। मुझे नहीं पता कि ये नाव टिकेगी या नहीं। असल में ये बहुत दूर है, 26 किलोमीटर दूर। दोस्तों, अब हम द्वीप पर पहुंच गए हैं। बस अंधेरा हो रहा है, इसलिए मुझे नहीं पता कि वो हमारा स्वागत कैसे करेंगे। लोग कहते हैं यहाँ केन्याई पुलिस है। इस द्वीप पर 1000 से भी ज्यादा लोग रहते हैं। ये बहुत छोटा है, मुझे नहीं पता ये ऐसे कैसे रहते हैं। आपको द्वीप के चारों ओर रोशनी दिखाई देगी। ये ऐसे जाल हैं जो छोटी मछलियां फंसाते हैं। हम आ गए हैं। ओह, हम आ गए हैं। धीरे धीरे आइए। धीरे धीरे, ठीक है।
आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। ये ठीक है? क्या सब कुछ ठीक है? जब हमने द्वीप पर कदम रखा तो उन्होंने हमसे कैमरा बंद करवा दिया, हमें वापस नाव पर ले गए और हमें दूसरे सुरक्षा द्वीप पर भेज दिया, मेगिंगो के बगल में, जिनके निवासी केन्याई और युगांडा वासी हैं, जो यहाँ रहते हैं और नियंत्रित करते हैं कि यहाँ कौन आता है और कौन जाता है। हमने इस द्वीप पर आने के लिए $250 दिए थे। इसके बगल में एक और द्वीप है जिसे सिर्फ सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये पैसा द्वीप के नेताओं के बीच बांटा जाता है जो केन्याई और युगांडा वासी हैं। ये एक रेस्टोरेंट है, देखिए ये रात में पार्टी कर रहे हैं, ये यहाँ अकेले रहते हैं। इस द्वीप पर 1000 लोग हैं, वो युगांडा वासी और केन्याई हैं, यहाँ सब एक साथ रहते हैं। इनके पास डीजे है, आप बेस्ट डीजे हैं। ये ज्यादातर मछुआरे हैं, लेकिन आज रात हम कहाँ सोएंगे? चिप्स और चिकन, अगर आप ये खाना चाहते हैं तो आप यहाँ रह सकते हैं, ये ऐसा होगा। ये स्वादिष्ट लग रहा है। हाँ। क्या ये हर दिन फिश और चिप्स खाते हैं? हाँ, हर दिन। और यहाँ ऐसे कई हैं जो ये पकाते हैं। ये एक सुपरमार्केट है और ये कहते हैं कि ये इकलौता नहीं है, यहाँ ऐसे और है। आपने देखा वो कैसे पकाते हैं? ये सब एक समुदाय है, युगांडा वासी और केन्याई, जो सरकार के खिलाफ एकजुट हुए हैं और यहाँ आने वाले लोगों से पैसा लेते हैं। क्या बंद कर रही हैं? हाँ हाँ, ये बंद कर रही है। आप कहाँ जा रही हैं? आप कहाँ रहती हैं? बहुत दूर, वहाँ नीचे। बहुत दूर? ये एक छोटा सा द्वीप है, हम यहाँ सोएंगे। दो लोग यहाँ और दो लोग यहाँ। नहीं नहीं, यहाँ एक आदमी और यहाँ एक आदमी, और फिर बाकी लोग दूसरे कमरे में रहने वाले हैं। समुद्र में? नहीं, समुद्र में नहीं। बस यहीं आसपास। यार क्या मैं इस द्वीप पर रह सकता हूँ? यहाँ? हाँ, अगर आप चाहें तो यहाँ रह सकते हैं। सच में? हाँ। आपके साथ लाइफ जैकेट आपके बगल में। लाइफ जैकेट? यहाँ आपके चारों तरफ तूफान है, पानी और तेज हवाओं की आवाज। हेलो पड़ोसियों। ठीक है, ये टैंजानिया से हमारे पड़ोसी हैं। आपका स्वागत है। जीरन का मतलब है पड़ोसी, स्वाहिली में भी। सच में? हाँ, जीरानी। तो इसे क्या कहा जाता है? एग्जीक्यूटिव गेस्ट हाउस। एग्जीक्यूटिव गेस्ट हाउस? एक और एग्जीक्यूटिव वाला यही नीचे है। ठीक है, आपके पास एग्जीक्यूटिव गेस्ट हाउस है? हाँ। तो एक आदमी यहाँ रात बिताने वाला है, यहाँ नीचे। ये एग्जीक्यूटिव है, ये वाला एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव? आप वहां से सूर्यास्त देख सकते हैं। देखो ये झील के किनारे है, ये कितना गहरा है, ये यात्रा का असली अनुभव है। इस कमरे को देखो, ये एक तूफान है जो रात भर चलता रहेगा, समुद्र की आवाज तेज है। नहीं, ये मेरा कमरा है भाई। तो फिर आप इसे लेंगे? हाँ, क्योंकि मैं रात को तैरना चाहता हूँ। नहीं नहीं, आप यहाँ तैर नहीं सकते। नहीं, आप रात में तैर नहीं सकते। मछली पकड़ना? फिशिंग? हाँ। देखिए ये एक पूल हॉल है, ये इस बिजनेस की मालकिन है। ये मालकिन है? हाँ। शुभ रात्रि। युगांडा? युगांडा? हाँ। इस द्वीप पर युगांडा वासियों का कब्जा है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। हम चिप्स खाएंगे। चिप्स? एक साथ चिप्स। बहुत देर हो चुकी है, अभी 10 बज रहे हैं। हम अभी सोएंगे क्योंकि कल सुबह मछुआरे यहाँ आएंगे। आप सोच नहीं सकते हमारे साथ क्या हुआ है, हमारी नाव खो गई है। हमने नाव को बाहर खड़ा किया था, लेकिन फिर हमें वो नहीं मिली, वो चली गई, वो गायब है। हम कल उसको खोजने की कोशिश करेंगे। आपकी नाव कहाँ है? मेरी नाव? हाँ, वो खो गई है। कैसे? इनकी नाव खो गई है और ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि अब वो किस देश में है, टैंजानिया, युगांडा या केन्या।
यहाँ आदमियों का सेक्शन है जहाँ वो हर सुबह नहाते हैं, और यहाँ औरतों का सेक्शन है। इस द्वीप का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है, लगभग आधे फुटबॉल के मैदान जितना। अब हम मछुआरों के आने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो सब द्वीप से चले गए हैं और अब वो आज की मछलियाँ पकड़कर वापस आएंगे। ये इसे तैरता हुआ कछुआ कहते हैं। ये एक साथ चिपकी हुई लहरदार धातु की झोपड़ियों से बनी है। इस औरत का नाम सैंगा है। अंग्रेजी में सैंगा का मतलब शिकार करना होता है। लोगों के कपड़े धोने और इस्त्री करना और ऐसी दूसरी चीजों की जिम्मेदारी इसकी है। हम यहाँ जहाँ खड़े हैं वो युगांडा का समुद्र तट है। यहाँ नावें लगी हुई हैं, और जब कभी भी वो यांत्रिक समस्या वाली किसी नाव को भेजते हैं तो उन्हें यहाँ ठीक किया जाता है। इसलिए आप यहाँ गैराज और सब कुछ देख सकते हैं। यहाँ इनके पास गैरेज है? जी हाँ, ये मरम्मत के लिए गैरेज है। नावें यहाँ लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं नावें लगना शुरू हो गई। तो हमारे सामने ये कौन सा द्वीप है? उस द्वीप को तंजानिया द्वीप कहा जाता है। लेकिन वहाँ कोई नहीं रहता? वहाँ कोई नहीं रहता, वहाँ सिर्फ नावें और जहाज है। क्यों? शायद लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत खड़ी और ढलान वाली है, इसलिए कोई वहाँ नहीं रहता। लेकिन ये केन्या में है तो इसे तंजानिया क्यों कहते हैं? नहीं, हमने इसे बस ऐसे ही नाम दिया है। यहाँ तक कि जिस द्वीप पर हम खड़े हैं इन्होंने इसका नाम युगांडा द्वीप रखा है, लेकिन असल में ये सभी तीन द्वीप केन्या में है। युगांडा की सीमा कहाँ है? ये इस जगह से 500 मीटर दूर है। ये युगांडा से मेरे भाई हैं। ये आदमी आप यहाँ देख रहे हैं, ये समुद्री पुलिस का एक सीनियर कर्मचारी है। कांगो का एक आदमी, ये बहुत सीनियर ड्राइवर है। तो लोग यहाँ बिना वीजा या किसी चीज के आते हैं? हाँ, हम यहाँ बिल्कुल आजाद हैं, हमें वीजा की जरूरत नहीं है। ये अफ्रीकी समुदाय है, ये एक मुस्लिम है। मुस्लिम? हाँ, ये मुस्लिम है। ये मेरे सबसे अच्छे दोस्त है। अगर आप मुझे तंजानिया ले जाते हैं मैं उनसे मिल सकता हूँ। मुझे युगांडा ले जाओ, मैं उनसे मिल सकता हूँ। हाँ, हम सभी अफ्रीकी हैं। मुलुंजी मुलुंजी मुलुंजी। यहाँ युगांडा के लोग केन्याई लोगों से शादी करते हैं? हाँ, जैसे ये मेरी भाभी है, ये भी मेरी भाभी है। ये युगांडा से है लेकिन इन्होंने केन्याई से शादी की है। ये इस द्वीप की शुरुआत से ही यहाँ है, ये दोनों औरतें। तो इस द्वीप की शुरुआत कब हुई थी? ये लगभग 15 साल पुराना है। तो क्या यहाँ के लोग एक साथ रह रहे हैं? हाँ, हम एक साथ रह रहे हैं यहाँ। इस तरह हम बस एक साथ रह रहे हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि केन्या और युगांडा के बीच लड़ाई चलती है। नहीं नहीं, ऐसा थोड़े समय पहले था, लगभग 10 साल पहले। हम प्यार और शांति से एक साथ रहते हैं, कोई वीजा नहीं और हमारे बीच कोई लड़ाई नहीं है। और आप लोगों के अपने खुद के नियम हैं? हाँ हाँ, वही नियम जो हम लोग यहाँ बनाते हैं उन्हें आम कानून कहा जाता है, ताकि हम एक साथ सद्भाव से रह सके। कोई केन्या नियम नहीं, युगांडा नियम नहीं, तंजानिया नियम नहीं, यहाँ हमारे खुद के नियम हैं। द्वीप के नियम? हाँ, द्वीप के नियम। ये अब अफ्रीकी नियम है। अफ्रीकी नियम? हाँ। ये देखो यार, इस द्वीप पर कोई नियम नहीं है, ये अपने खुद के कानून बनाते हैं। और आपको यहाँ आने के लिए वीजा की भी जरूरत नहीं है। क्या ये यहाँ नाश्ता बनाते हैं? हाँ। क्या हम नाश्ता ऑर्डर कर सकते हैं? यहाँ एक कैफेटेरिया है। यहाँ सबका अपना अपना बिजनेस है, अल्लाह भला करे। हमारी नाव खो गई थी और ये पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने आए हैं। क्या आप दुखी हैं? देखते हैं क्या होता है। जाहिर है हम यहीं फंस जाएंगे और वापस नहीं जा पाएंगे। तो ये यहाँ स्थानीय का इंचार्ज है? ये इंचार्ज है। अब शादी करके यहीं रहने वाले हैं? हाँ, हम फंस गए। हाँ, हम यहाँ एक नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं। अरे अब्दुल रहमान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ के इकलौते मुस्लिम? हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छी मछली है? हाँ, अच्छी मछली है। क्या ये अच्छा बिजनेस है? हाँ, ये अच्छा बिजनेस है। बहुत अच्छी बात है। अब्दुल रहमान की एक कंपनी है। यहाँ आने वाले हर आदमी के पास एक कंपनी है, वो अकेले या नाव के साथ नहीं आते हैं। अब्दुल रहमान, इनके पास एक कंपनी है और ये सोमाली है। ये बड़ी नील मछली लाखों डॉलर में निर्यात की जाती है और हाल के सालों में इसकी कीमत में 50% की वृद्धि हुई है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसकी कीमत $300 प्रति किलोग्राम आकी गई है। ये आज की मछलियां लाए हैं, यही कारण है कि हर कोई इस मछली के लिए लड़ रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। हाँ कोई बात नहीं, सब्सक्राइब करें।